give me some. नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त सचिन पंडित। और अभी आपने जो वीडियो देखा, इस तरह का वीडियो कैसे बनाया जाता है इसकी पूरी जानकारी डिटेल में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबाइए, ताकि फ्यूचर में अपलोड होने वाले वीडियोज की जानकारी आपको मिलती रहे। और इस तरह का वीडियो बनाने के लिए जितने भी फाइल्स और ऐप्स आपको जरूरत पड़ेगी, उनका लिंक बना के मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। वहां पे क्लिक करके आप उन्हें आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ट्राइपॉड पे सेल फोन रख के आपको एक वीडियो शूट कर लेना है कुछ इस तरह से। उसके बाद काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर दीजिए। दोस्तों, काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस रहेगा। फिर आपको यहाँ पे प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक करके 9:16 वाला पोर्ट्रेट वाला एस्पेक्ट रेशियो सेलेक्ट कर देना है। फिर आपको यहाँ पे मीडिया पे सेलेक्ट करके आपका रिकॉर्डेड वीडियो जिस फोल्डर में रहेगा उस फोल्डर में चले जाइए। उसके बाद आपको वीडियो को सेलेक्ट कर देना है यहाँ से, ठीक है। वीडियो सेलेक्ट करने के बाद आपका वीडियो टाइमलाइन पे आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना, वीडियो को सेलेक्ट कर दीजिए शुरुआत में, साउंड पे क्लिक कर दीजिए, उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर दीजिए ताकि वीडियो का साउंड वॉल्यूम जो है म्यूट हो जाए। फिर यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, वीडियो के स्टार्टिंग पॉइंट पे चले जाकर एक बार वीडियो को प्ले कर दीजिए, क्योंकि इसमें कुछ वेस्टिंग पार्ट रहेगा। तो आप इस तरह से जब एक्टिंग कर लोगे चलने की, तो उसी समय आपको वीडियो को पॉज कर देना, वीडियो को सेलेक्ट कर देना है, कटर में चले जाना है, और यहाँ से यहाँ तक वेस्टिंग पार्ट है उसे हटाने के लिए आपको ट्रिम टू लैपटॉप प्लेड पे क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, वीडियो को फिर से प्ले कर देना है। प्ले करने के बाद जब आप एक्टिंग कर लेते हो, पीछे देख लेते हो और इस तरह से एक्टिंग कर लेते हो, उसी समय आपको वीडियो को पॉज कर देना है। थोड़ा ड्रैग करके आगे भी ले सकते हैं आप, और इस पोजिशन पर आपको थोड़ा और भी आगे ले सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को सेलेक्ट कर दीजिए और कटर में चले जाके यहाँ से यहाँ तक आगे वाला हिस्सा आपको डिलीट कर देना है। इसके लिए आपको ट्रिम टू राइट अप प्ले हेड पर क्लिक कर देना है। अभी आपको दोनों उंगलियों की मदद से इस वीडियो को जूम कर लेना है, इसकी टाइमलाइन को, ठीक है। वीडियो को प्ले कर दीजिए। अभी जब आप इस तरह से एक्शन कर लेते हो, उसी समय आपको वीडियो को पॉज कर देना है, लेयर में चले जाना है, मीडिया में चले जाना है, और आपको एक बॉम्ब ब्लास्ट का ग्रीन वीडियो डालना है। उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। उसे सेलेक्ट कर दीजिए, वो आ जाएगा। उसके बाद सबसे पहले आपको एक काम कर देना है, इसका सबसे पहले क्रॉपिंग पे चले जाना है और नीचे से थोड़ा ऊपर ले लेना है और ऊपर से थोड़ा नीचे ले लेना है, इस तरह से इतना, ठीक है, ये ज़रूरी है करना। उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, फिर से वीडियो को सेलेक्ट कर दीजिए और अभी आपको क्रोमा की में चले जाना है। क्रोमा की एनेबल कर देना है और ध्यान रखना है कि कलर ग्रीन है। अगर नहीं है तो सेलेक्ट कर दीजिए, यहाँ से ग्रीन कलर चूज़ कर दीजिए, फिर यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ से आपको इसे क्रोमा की को एडजस्ट कर देना है ठीक तरह से, ठीक है। अभी यहाँ पे क्लिक कर देना है और वीडियो ग्रीन वाले वीडियो को सेलेक्ट करके आपको यहाँ पे इसे सेट कर देना है। इसकी पोजिशन थोड़ा कम भी कर सकते हैं या फिर ज़्यादा भी रख सकते हैं आपके हिसाब से। फिर यहाँ पे क्लिक करके वीडियो को प्ले कर दीजिए। ये देखिए, अब आपका ग्रीन वाला वीडियो जहाँ तक है उसे सेलेक्ट कर दीजिए और उसके आखिर वाले पॉइंट पे चले जाइए। आपका वीडियो जहाँ तक है वहाँ तक आपको ऊपर वाला वीडियो रखना है। उसके बाद ऊपर वाले वीडियो को सेलेक्ट कर दीजिए, कटर में चले जाइए। अभी आपको ट्रिम टू राइट अप प्ले हेड पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इससे आगे वाला वीडियो डिलीट हो जाएगा, थोड़ा रह गया है, थोड़ा पीछे ले लेते हैं हम यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद आपको इस वीडियो को सीधा सीधा एक्सपोर्ट कर देना है, HD 72 पिक्सल में ही एक्सपोर्ट कर देना है, क्योंकि हमें आगे इसमें कुछ एडिटिंग करनी है, ठीक है। एक्सपोर्ट कर दीजिए, ज़्यादा हाई क्वालिटी का एक्सपोर्ट मत कीजिए, वरना हम एडिटिंग सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आपको बैक आना है इसी प्रोजेक्ट में। सबसे पहले आपको ग्रीन वीडियो को सेलेक्ट कर देना है, उसे डिलीट कर देना है। मीडिया वाले वीडियो को सेलेक्ट कर देना है, उसे डिलीट कर देना है। अभी आपको मीडिया में चले जाना है और यहाँ पे एक्सपोर्ट का फोल्डर रहेगा 4th नंबर पे, उसे सेलेक्ट कर दीजिए। रिसेंटली एक्सपोर्ट किया गया वीडियो को सेलेक्ट कर दीजिए, आपका वीडियो टाइमलाइन पे आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है और जब आप वीडियो को ड्रैग भी कर सकते हैं या फिर प्ले भी कर सकते हैं, मेरे हिसाब से ड्रैग कर दीजिएगा इस तरह से। जब आप ब्लास्ट होता है, आपका पीछे ब्लास्ट होता है, उसी समय वीडियो को पॉज कर दीजिए, कटर में चले जाइए और अभी आपको स्प्लिट एड प्लेहेड पे क्लिक कर देना है। अभी आपको आखिर वाले वीडियो को आप सेलेक्टेड रहोगे तो बैक आना है। अभी आपको स्पीड कंट्रोल में चले जाना है और यहाँ से थोड़ी स्पीड आपको कम कर देनी है, ताकि ये वीडियो 6-7 सेकेंड्स का बन जाए, ठीक है। 5 सेकेंड का भी रख सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। अभी वीडियो कुछ इस तरह से रहेगा,
ठीक है। अभी आप टाइमलाइन को जूम आउट भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको स्टार्टिंग पॉइंट पे चले जाकर ऑडियो में चले जाना है। यहाँ पे एक ऑडियो इफेक्ट डालना है, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आपको भी मिल जाएगा। ये देखिए, अब यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। अब वीडियो को प्ले करके देख लीजिए साउंड इफेक्ट ठीक तरह से मैच हुआ है या नहीं। ठीक है, थोड़ा कम पीछे ले लेते हैं। ठीक है, ठीक तरह से हो चुका है। अब आखिर पे आने के बाद ऑडियो को सेलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद कटर में चले जाइए ऑडियो के, और ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेड पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, और आपको और एक ज़रूरी सेटिंग करनी है इसमें। इस सेटिंग पे चले जाइए, और यहाँ पे ऑडियो फेड जो रहेगा आप इसे डिसेबल कर दीजिए, या फिर इनेबल भी रख सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे एक सेकेंड या फिर 0.25 सेकंड रखना है, ताकि अच्छा इफेक्ट आ जाए इस वीडियो में। अभी आपको इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है यहाँ पे क्लिक करके। अभी आप इसे HD में भी या फिर QHD में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हाई क्वालिटी में जितना चाहे उतना। उसके बाद एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दीजिए, आपका वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको TikTok पे जाकर इसमें आप एक्स्ट्रा इफेक्ट डाल सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं नए वीडियो में जल्द ही। अगर आपको कोई सवाल मुझसे पूछना है तो Instagram पे मैसेज कर दीजिए, जल्द ही आपको रिप्लाई मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।